हेलो गाइस, मैं शशांक, ये मेरी वाइफ अंकिता। आज 5 अगस्त है और हम लोग कल लेह लद्दाख के लिए रवाना होने वाले हैं। तो आज हमारा पैकिंग चल रहा है और हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। अंकिता बहुत ही सुपर ज़्यादा एक्साइटेड है और उसने कुछ ज़्यादा ही सामान इकट्ठा कर लिया है। तो हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि हमने लेह के लिए क्या क्या प्रिपरेशन की है और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए भी हेल्पफुल हो, सो दैट अगर आप भी प्लान कर रहे हो ले जाने के लिए तो आप क्या क्या एसेंशियल चीज़ें अपने साथ कैरी करनी चाहिए, उसके लिए आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो। और हियर वी गो। तो गाइस, आप देख सकते हैं हम जंगल की सफारी करने जा रहे हैं जिसका नाम है लेह। और यहाँ पर हमारा एक छोटा सा पिद्दी सा ट्रॉली बैग है जो कि ये जिसको ये मादा जा रही है भरने अपने कपड़ों से, सामान से, सारा कुछ। अब इस पिद्दी से ट्रॉली बैग का 3/4 हिस्सा ये कब्जा कर लेंगे, मतलब मादा, नर की उसमें कोई जगह ही नहीं है। तो गाइस, अब आप देखिए ये मादा इसमें क्या क्या डालने वाली है। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि अगस्त का मंथ है और हम लोगों ने अगस्त में ये ट्रिप प्लान करी है और हम लोग की ट्रिप जो है वो 4 दिन की है। पर जैसा कि आपको मेरे हस्बैंड ने बताया कि मैं 4 दिन की ट्रिप के लिए 6 दिन के कपड़े लेकर के जा रही हूँ और वो मेरे कपड़े हैं ये और जो कि जा रहे हैं इस बैग में। और आपको ऑलरेडी पता है कि अगस्त का मंथ है और वहाँ पर बारिश होने के मोस्टली चांसेस हैं, तो हम लोग प्रिकॉशनरी एक अम्ब्रेला भी हमने अरेंज कर लिया जो कि मुझे अभी नहीं मिल पा रहा है और वो मुझे मिल चुका है। अच्छा, दिन में कतई धूप है, धूप में चेहरा झुलस जाएगा। अब आदमी तो झुलस जाए चलेगा, पर औरत झुलस जाए ऐसा हो नहीं सकता। तो भैया सनस्क्रीन और गॉगल्स रखा। तो उसके लिए पहले मैं गाइस आपको बता दूं कि हम लोगों ने इसके लिए थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा प्रिपरेशन किया है। जैसे कि अगर आप वहाँ पे जा रहे हो तो वहाँ पे क्लाइमेट ऐसा है कि आपको अपने बॉडी को मॉइस्चराइज करके रखना बहुत जरूरी है, उसके लिए मैंने एक मॉइस्चराइजर रखा है। हमने सनस्क्रीन भी रखी है SPF 50 वाली जो कि बायोटिक ब्रांड की है, आप चाहो तो उसको ले सकते हो या फिर आपको जो ब्रांड पसंद हो। इसके अलावा मैंने नॉर्मली नहाने के लिए छोटे छोटे पाउचेस में ले लिया है बॉडी वॉश, हेयर वॉश, इस टाइप के आइटम्स और एक फेस वॉश मैंने रख लिया है। इवन मैंने अपने साथ में वाइट भी मैं कैरी कर रही हूँ, आप चाहो तो आप भी वो रख सकते हो, वो एक अच्छी चीज़ है इंस्टेंटली अपने फेस को क्लीन करने के लिए। तो आप देख सकते हैं मादा ने पूरा इंतजाम कर रखा है और ब्रश ना के लिए सिर्फ ब्रश। तो आप देख सकते हैं कि ये भी गया हमारे बैग के अंदर। अच्छा, आप ध्यान रखिएगा, ले नॉर्मल समुद्र तल से बहुत ऊंचा है। इवन हम लोग अभी दिल्ली में स्थित हैं और ये दिल्ली से भी काफ़ी ऊंचा है। तो हम जब लेह की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर एक एक्लिमेटाइजेशन प्रोसेस होगा, उसको बचने के लिए हमने कुछ मेडिसिन रखी हैं जो कि बॉडी कंपल्सरी है, वो तो आप जरूर से जरूर ध्यान से रखिए। मेडिसिन में हमने वॉमिटिंग के लिए कुछ रखा है, हमने डेवरॉक्स करके एक रखा हुआ टैबलेट इन केस अगर माउंटेन सिकनेस हुआ उससे बचने के लिए, ORS रखा है इन केस हमें दस्त बस्त या कुछ हो जाए, आपके साथ में ये कैरी करना चाहिए बैंडेजेस इन केस अगर आपको चोट चपेट लग जाए उसके लिए, और बुखार रखी है और बुखार उखार के लिए Dolo 650 और पैरासिटामोल। ये हमारा मानना है कि हमें इन सब चीजों की जरूरत है। हर चीज जो भी पॉसिबल है वो सब चीजें हमने रखी है, इवन हमने मुंह भी स्प्रे करने वाली, ब्लॉक करने वाली वो सब भी ले रखी है। बाकी मेडिसिन आप प्रिस्क्रिप्ट की हुई मेडिसिन लें, आप किसी के बोलने पर मेडिसिन मत लें, प्रिस्क्राइब की हुई मेडिसिन ही लें। तो ये हमारा मेडिसिन का पाउच किया है। तो लेकिन हमने एक चीज़ का बहुत ध्यान रखा है कि वहाँ सुबह अगर गर्मी है तो शाम को बिल्कुल ठंडक रहेगी, तो उसके लिए हमने इन जैकेट्स का इंतजाम किया है और इसको हम डालेंगे। और ये मेरी जैकेट है और ये इनकी जैकेट है। चलिए, भगवान का लाख लाख शुक्र है मेरी जैकेट को जैकेट मिल गई उसमें। और इसी के साथ आप देख सकते हैं हम बैग्स को भी अंदर डालने जा रहे हैं, ये मादा के वो फोटो में निखार लाएगा। और आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि अब मादा को फोन कैरी करने में दिक्कत ना हो तो वो छोटा सा बैग डाल देंगे उसमें। दूसरी चीज़, अब मादा वहाँ जाएगी, वहाँ खाली बैठेगी, बात करने को मैं तो हूँ नहीं इतना ज़्यादा, मैं बात करता ही नहीं हूँ, तो उसको लगेगी भूख। आपको पता चल रहा होगा तो भूख भूख मिटाने के लिए मादा ने काफ़ी सारा आइटम जमा कर रखा है और ये भी आइटम जाएगा इस बैग में। आप समझ लीजिए इस बैग में नर की जगह है कहाँ, वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कैंडीज़, अब मादा को कुछ टेस्ट भी इन्हेंस करना है अपनी जवान का, कैंडीज़ का भी इंतजाम किया हुआ है उसने। और क्या बचा, बूट्स, अरे बूट्स, ओह माय गॉड, बूट्स बूट्स भी रह गया है। अब कुछ है हाँ, चलिए सुप्त है कि मेरे दो जोड़ी शर्ट, दो जोड़ी पैंट और दो जोड़ी कच्छा बनिया सब कुछ आ जाएगा उसमें। मैं इस बात के लिए बहुत खुश हूँ और मादा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आगे का हाल मैं अभी बताता हूँ, मेरे कपड़े क्या क्या जाने वाले हैं वो सब मैं आपको अभी बताता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं गाइस, मादा ने जब इतना सारा सामान रख ही दिया है तो नर क्यों पीछे रहे, क्यों पीछे रहे? तो हमने भी 4 दिन के हिसाब से सिर्फ 2 जोड़ी ही कपड़े रखे हैं और साथ में ये तौलिया जो कि ये कॉटन की है, ये बहुत अच्छी तौलिया है, तुरंत सबको सोख लेती है, तो मैं इसको भी ले जा रहा हूँ साथ में, मैं बहुत पसंद करता हूँ उसको, आई लव इट। और आप देख सकते हैं कि मेरा इंतजाम कितना दुरुस्त है, 4 दिन के सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े, 2 जोड़ी कच्चे बनिया। तो गाइस, यहाँ पर पैकिंग पूरी हो चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे कम से कम 20 किलो का बैग तैयार है। मादा ने अपनी पूरी पसंद निकाल ली उस बैग पे और आपको जैसा पता है जब जाहिर है लादना तो नर कोई पड़ता है, तो कोई बात नहीं लादेंगे, अब ट्रिप तो जाना ही है। लेकिन गाइस, आपसे मैं कहूँगा कि जब भी आप किसी ट्रिप पर जाएँ कम से कम सामान लेके जाएँ ताकि आप ईजिली चल सकें और बेचारे नरों पर थोड़ा अत्याचार कम रहे।